नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं चाणक्य फाइट क्लब। और मेरे साथ है हमारी जूनियर टीम जो आज आपको करके दिखाएंगे स्लैप किक कैसे करें। मार्शल आर्ट के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक किक है स्लैप किक, जिसके अंदर अलग अलग आर्ट्स के अंदर उसको कराटे के अंदर उसको मवासी गिरी या अलग अलग आर्ट के अंदर किसी के अंदर उसको इनर किक, किसी के अंदर स्लैप किक, अलग अलग आर्ट के अंदर अलग अलग नेम से उसको जाना जाता है, लेकिन किक स्लैप किक ही होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप स्लैप किक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्टांस, तो हमारा फाइटिंग स्टांस। तो मैं आपको स्लैप किक बताऊंगा किस तरीके से, तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, किस तरीके से हम स्लैप किक को आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फाइटिंग स्टांस, जिसके अंदर हम लेंगे राइट लेग बैक, राइट लेग बैक इस तरीके से। दोनों हमारी जो लेग होंगी बिल्कुल एकदम सीधी होंगी, इस तरीके से हमारी पोजीशन होगी, सभी पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। और अब हम करेंगे तीसरा, तीन तरीके से किस तरीके से हम स्लैप किक कर सकते हैं, मैं इसको काउंटिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सबसे पहले लेंगे फर्स्ट स्टेप, वन, लेग को इस तरीके से आप करना है, टू, थ्री, ये हमारे तीन काउंट है। दोबारा से मैं करके दिखाऊंगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री। फिर से मैं आपको एक बार फुल स्पीड के अंदर करके दिखाऊंगा, एक बार आपको पूरी किक मार देनी है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो दोस्तों इस तरीके से हमने स्लैप किक को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करके आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस, जब ये किक हमारे ऐसे तैयार हो जाएगी, इसके बाद हम करेंगे अपने पार्टनर के साथ पैडिंग, जो कि हमारे पास होता है पैड, इस तरीके का पैड होता है मार्शल आर्ट के अंदर, आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम किक को बेहतरीन बनाने के लिए, किक के अंदर बैलेंसिंग लाने के लिए, किक के अंदर पावर लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए किस तरीके से इस पैडिंग की मदद कर सकते हैं, पैडिंग से अच्छी किक, अपनी मजबूत किक कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन इनसे किक करवा के दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टैंडिंग में किक करेंगे और फिर आपको बताऊंगा लास्ट में किस तरीके से स्टेपिंग में किक की जा सकती है। तो सबसे पहले आएंगे मेरे साथ, दो दो किक हमें करनी है इस तरीके से, विद साउंड पावर के साथ, इस तरीके से, इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी हमने की थी स्टैंडिंग में लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट इस तरीके से, अब मैं आपको बताऊंगा स्टेपिंग में किस तरीके से हम दुश्मन को लगातार किक मार सकते हैं और उसे मार मार के हम पीछे धकेल सकते हैं। तो आइए हम स्टेपिंग के साथ करेंगे, पावर के साथ, चेंज और पावर, स्टॉप चेंज, स्टॉप। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पार्टनर के साथ पैडिंग कर सकते हैं और इस किक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी किक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी ये वाली किक कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें लगातार हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आप भी और आपके दोस्त भी मार्शल आर्ट की छोटी छोटी बारीकियों को सीख के अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सके। और दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों लाइक बटन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की ग्रोथ ज्यादा हो, हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।